भारत में स्थित गर्म पानी के कुंड जहां नहाने से दूर होते हैं रोग। धरती पर कई जगह भौगोलिक गतिविधियों के कारण गर्म पानी के कुंड और झरने पाए जाते हैं। इनमें से अधिकतर कुंडों में विशेष औषधीय गुण होते हैं क्योंकि इनमें में कई तरह के खनिज तत्व उपस्थित होते हैं। इसलिए इन गर्म पानी के कुंडों में स्नान करने से कई तरह के रोग व बीमारियां ठीक हो जाती हैं, खासकर त्वचा संबंधी। भारत में भी कई जगह ऐसे कुंड पाए जाते हैं जिनमें से कई धार्मिक तीर्थ स्थल पर है, जिनसे इनका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। धार्मिक जगह और औषधीय गुणों के कारण यहाँ पर साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। आइए जानते हैं भारत में स्थित कुछ ऐसे ही कुंडों के बारे में। एक, सपाचय। राजगीर के जलकुंड, राजगीर हॉट वॉटर कुंड, पटना के समीप राजगीर को भारत के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। यह कभी मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। राजगीर न सिर्फ एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल है बल्कि एक खूबसूरत हेल्थ रिसोर्ट के रूप में भी लोकप्रिय है। देवनगरी राजगीर सभी धर्मों की संगम स्थली है। कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र राजा बसु ने राजगीर के ब्रह्मकुंड परिसर में एक यज्ञ का आयोजन कराया था। इसी दौरान आए सभी देवी देवताओं को एक ही कुंड में स्नान करने में परेशानी होने लगी। तभी ब्रह्मा ने यहाँ 22 कुंड और 52 जल धाराओं का निर्माण कराया था। वैभारगिरी पर्वत की सीढ़ियों पर मंदिरों के बीच गर्म जल के कई झरने हैं जहाँ सप्तकर्णी गुफाओं से जल आता है। ऐसी संभावना जताई जाती है कि इसी पर्वत पर स्थित भेलवाडोव तालाब है जिससे ही जल पर्वत से होते हुए यहाँ पहुँचता है। इस पर्वत में कई तरह के केमिकल्स जैसे सोडियम गंधक सल्फर हैं। इसकी वजह से जल गर्म और रोग को मिटाने वाला होता है। यहाँ पर आप 22 कुंडों में स्नान कर सकते हैं। इन कुंडों के नाम अलग अलग हैं। ब्रह्मकुंड सबसे महत्वपूर्ण है। इसका तापमान 45 डिग्री सेल्सियस होता है। इसे पाताल गंगा भी कहा जाता है। सभी झरनों में स्नान करने के बाद इस कुंड में भी लोग स्नान करते हैं। जो सप्तधाराएं बहती हैं उसके नाम भी ऋषि मुनियों के नाम पर रखे गए हैं। 22 कुंडों में ब्रह्मकुंड के अलावा मार्कंडेय कुंड, व्यास कुंड, अनंत ऋषि कुंड, गंगा यमुना कुंड, साक्षी धारा कुंड, सूर्य कुंड, गौरी कुंड, चंद्रमा कुंड, राम लक्ष्मण कुंड। राम लक्ष्मण कुंड में एक धारा से ठंडा और दूसरे से गर्म पानी निकलता है। दो, सपाचय। बकरेश्वर जलकुंड पश्चिम बंगाल, बकरेश्वर हॉट स्प्रिंग वेस्ट बंगाल। बकरेश्वर पश्चिम बंगाल का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इसकी पश्चिम बंगाल के भ्रमण स्थलों में एक अलग पहचान है क्योंकि यहां गर्म पानी के 10 कुंड स्थित हैं, जिसमें सबसे गर्म कुंड अग्नि कुंड रलक्ष है। इसके अलावा यहां पर बैरव, रनटक्ष, कीर, ररक्ष, नृसिम, ररक्ष, सूर्या, ररक्ष, सौभाग्य कनाड, रनटक्ष, पापहरा कनाड, नगच्छ आदि अन्य कुंड है। यहां देश के कोने कोने से लोग पवित्र कुंडों में स्नान के लिए आते हैं। इन कुंडों में स्नान से कई रोग दूर हो जाते हैं। तीन, सपाचय। मणिकरण हिमाचल प्रदेश, मणिकरण हॉट वॉटर स्प्रिंग हिमाचल प्रदेश। मणिकरण हिमाचल प्रदेश में कुल्लू से 45 किलोमीटर दूर है। यह जगह खास तौर पर गर्म पानी के चश्मों के लिए जानी जाती है। यहाँ के जल में अधिक मात्रा में सल्फर, यूरेनियम व अन्य रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं। इस पानी का तापमान बहुत अधिक है। यह स्थान हिंदू व सिखों के लिए आस्था का केंद्र है। साथ ही माना जाता है कि सिखों के पहले गुरुवार नानक देव अपने साथी मर्दाना के साथ यहां आए थे। यह गुरुद्वारा उन्हीं की याद में बना है। यहां एक प्रसिद्ध राम मंदिर है। कहा जाता है कि यहां एक मूर्ति अयोध्या से लाकर स्थापित की गई थी। इसके अलावा वहां और भी कई मंदिर हैं। यहां आने वाले लोगों को गर्म पानी चश्मों से पानी लेकर दाल चावल बनाते देखा जा सकता है। यहाँ की वैली को पार्वती वैली कहा जाता है और यहाँ फिशिंग का अपना ही मजा है। आप कुल्लू से बस या टैक्सी के जरिए मणिकरण पहुँच सकते हैं। गर्म पानी चश्मों के लिए यहाँ भगवान शिव व देवी पार्वती से जुड़ी कई कहानियाँ प्रचलित हैं। ऐसी ही एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती के कान की बाली मणि यहाँ गिर गई थी और पानी में खो गई। खूब खोज खबर की गई लेकिन मणि नहीं मिली। आखिरकार पता चला कि वह मणि पाताल लोक में शेषनाग के पास पहुँच गई है। जब शेषनाग को इसकी जानकारी हुई तो उसने पाताल लोक से ही जोरदार फुफकार मारी और धरती के अंदर से गर्म जल फूट पड़ा। गर्म जल के साथ ही मणि भी निकल पड़ी। आज भी मणिकरण में जगह जगह गर्म जल के सोते हैं। चार, सपाचय। अत्रि जल कुंड ओडिशा, अत्रि हॉट वॉटर स्प्रिंग आदिश। ओडिशा का अत्रि उसके सल्फर युक्त गर्म पानी के कुंडों के लिए प्रसिद्ध है। यह जल कुंड भुवनेश्वर से 42 किलोमीटर दूर स्थित है। इस कुंड के पानी का तापमान 55 डिग्री है। कुंड में स्नान करने से बहुत ताजगी महसूस होती है व थकान दूर हो जाती है। इसके अलावा अत्रि जाएं तो वहां के हाटकेश्वर मंदिर के दर्शन करना ना भूलें। 5, सपाचय।
यू मे समडोंग सिक्किम यू मसमदांग हॉट वाटर स्प्रिंग। यू मे समडोंग सिक्किम के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित ये कुंड 15,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यू मे समडोंग में 14 सल्फर के जल से युक्त कुंड हैं, जिनका तापमान लगभग 50 डिग्री रहता है। इनमें सबसे प्रसिद्ध बुरोंग और रालोंग है, जहां साल भर पर्यटकों का तांता लगा रहते हैं। 6. सपाचे पन्नामिक लद्दाख पैनामिक नुब्र वैली हॉट वाटर स्प्रिंग्स। नुब्रा वैली का मतलब है फूलों की घाटी। यह वैली सियाचिन ग्लेशियर से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान गर्म पानी के कुंड के लिए भी जाना जाता है। यहाँ का पानी बहुत अधिक गर्म होता है, पानी से बुलबुले निकलते दिखाई देते हैं। पानी इतना गर्म होता है कि इसे छुआ नहीं जा सकता। 7. सपाचे तुलसी श्याम कुंड गुजरात। तुलसी श्याम हॉट स्प्रिंग गुजरात। तुलसी श्याम कुंड जूनागढ़ से 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पर गर्म पानी के 3 कुंड है। इनकी खासियत यह है कि तीनों में अलग अलग तापमान का पानी रहता है। तुलसी श्याम कुंड के पास ही 700 साल पुराना रुक्मणी देवी का मंदिर है। इसके अलावा गुजरात में ही टुवाटिम्बा तुवटिम्ब में भी गर्म पानी के कुंड है। 8. सपाचे झारखंड के 60 गर्म पानी के कुंड। 60 हॉट स्प्रिंग्स ऑफ झारखंड। गर्म पानी के स्रोतों के मामले में झारखंड भारत में सबसे आगे है। यहाँ पर 60 हॉट वाटर स्प्रिंग्स है, जिनमें से कुछ प्रमुख है तातलोई थायरे पानी, नम्बुल टैपट पानी, ससम पानी, रानेश्वर, चार खुर्द, सिद्धपुर, सूरज कुंड आदि।